हो गया लाइव। हेलो आवाज जा रही है बच्चों? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, कल हम लोगों ने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का PYQ सॉल्व किया था। उसके पहले हम लोगों ने दो क्लास में लिविंग वर्ड के दो पार्ट में हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर है। दो लेक्चर में हमने चैप्टर को डिवाइड किया है, एक आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आ रही है बच्चों? आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए बच्चों, वॉइस क्लियर है? चलो हाँ, तो हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था साइंटिफिकली, वो किसने प्रपोज किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को, फिर पढ़ेंगे थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था। पहली बार साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? तो फर्स्ट साइंटिफिकली जो क्लासिफिकेशन आया था वो प्रपोज किया था एरिस्टोटल साहब ने। एरिस्टोटल साहब ने बताया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा और बताया कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, एक एनिमल है और दूसरा कौन है, प्लांट है। एरिस्टोटल साहब ने क्या बताया कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक एनिमल है और दूसरा कौन है, प्लांट है। तो हम लोग नोट करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? चलो फर्स्ट फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था। और उन्होंने किया क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे और बता दिया कि ये एनिमल है और ये प्लांट है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था। हम लोग लिखते हैं प्रपोज्ड बाई एरिस्टोटल साहब ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बताया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा और बताया कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, पहला कौन सा है, एनिमल है, दूसरा प्लांट है। इन्होंने बेसिस क्या लिया था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने मॉर्फोलॉजी देखी और बता दिया ये एनिमल है और ये प्लांट है। अब हम लोग देखते हैं प्लांट को इन्होंने कैसे डिफाइन किया और एनिमल को कैसे डिफाइन किया। इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट्स तीन टाइप के होते हैं, पहला कौन सा होगा, हर्ब होगा, दूसरा होगा श्रब्स, तीसरा होगा ट्री। इन्होंने प्लांट को भी डिवाइड किया कि कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, और कुछ
बिल्कुल बड़े पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं। और एनिमल्स को इन्होंने किस बेसिस पर डिफाइन किया, एनिमल्स किनमें आरबीसी प्रेजेंट है, किनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी उसे इन्होंने बोला इनेमा, जिनमें आरबीसी अब्सेंट थी उसको इन्होंने बोला एन इनेमा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले को इन्होंने बोला ट्री, दूसरे को बोला श्रब्स, क्या बोला श्रब्स, और तीसरे को बोला हर्ब्स। हर्ब्स ट्री में क्या होता है, ट्री जो होता है आपका ये होता है हुडी, हुडी स्टेम होता है इसका। श्रब्स भी जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, हुडी होते हैं। बट जो हर्ब्स होता है ना बच्चों आपका, हर्ब्स जो है ये कैसा होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है। जैसे कि आप लोग टमाटर का पौधा देखे होंगे, टमाटर का पौधा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो क्या होता है, हर्ब्स होता है। तो यहाँ पर हर्ब्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट स्टेम। ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही उन्होंने डिफाइन किया कि तीन तरीके के प्लांट्स होंगे, पहला होगा हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, तीसरा ट्री। हर्ब्स जो होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट स्टेम का होगा, श्रब्स जो होगा वो बूडी होगा और उसमें ढेर सारी ब्रांचेज होंगी, ट्री जो होगा ये भी बूडी होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल को इन्होंने किस बेसिस पर अलग किया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और एनिमल को देखते हैं। इन्होंने बताया एनिमल के लिए, इन्होंने बताया कि अगर आरबीसी प्रेजेंट है या आरबीसी अब्सेंट है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, अगर रेड ब्लड सेल है तो उसे क्या बोलेंगे, इनेमा बोलेंगे, और अगर रेड ब्लड सेल अब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, एनेमा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे इनेमा, और अगर रेड ब्लड अब्सेंट है तो इसे बोलेंगे एनेमा। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा और प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पहला हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, और एनिमल को आरबीसी अब्सेंट और प्रेजेंट होने के बेसिस पर किया, आरबीसी के बेसिस पर किया। अगर आरबीसी प्रेजेंट था तो उसे बोल दिया इनेमा, आरबीसी अगर अब्सेंट था तो इसे बोल दिया एनेमा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट, चलो बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को। यहाँ पर बच्चों ढेर सारे ड्रॉबैक थे क्योंकि प्लांट्स और एनिमल को सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ही डिवाइड किया गया था। तो हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर थ्री को देखेंगे, फोर को देखेंगे, फाइव को देखेंगे एंड सिक्स किंगडम तक हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम बच्चों, टू किंगडम सिस्टम जो था इसे प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस साहब ने। टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस साहब ने प्रपोज किया और इसके लिए बेसिस क्या था, उन्होंने किया क्या, दो किंगडम बनाए, प्लांट और एनिमल, और बताया किसके बेसिस पर, सिल्वाल के बेसिस पर। जिनमें सिल्वाल प्रेजेंट थी उनको उन्होंने क्या किया, उठाकर प्लांट में रख दिया, और जिनमें सिल्वाल अब्सेंट थी उनको क्या बोला कि ये एनिमल्स हैं। सिल्वाल अगर प्रेजेंट है तो आप प्लांट हो, सिल्वाल अब्सेंट है तो आप एनिमल हो। सिर्फ ये एक बेसिस लिया इन्होंने और होल ऑर्गेनिज्म को क्या किया, इन्होंने दो किंगडम में बांट दिया। प्रपोज्ड बाय Proposed by
caused by Aeolus Linnaeus. Linnaeus साहब ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया थेलवाल के बेसिस पर. किस बेसिस पर? थेलवाल के बेसिस पर. इन्होंने बताया कि अगर सेलवाल, अगर सेलवाल प्रेजेंट है, अगर सेलवाल पाई जा रही है तो ये क्या होगा, सेलवाल अगर प्रेजेंट है तो इसे हम प्लांटी बोलेंगे, और अगर सेलवाल अब्सेंट है क्या बोलेंगे, सेलवाल अगर अब्सेंट है तो इसे हम एनिमेलिया में रखेंगे. कहां पर रखेंगे, एनिमेलिया में. इन्होंने सेलवाल देखा और सेलवाल के बेसिस पर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक को कहां रख दिया, प्लांटी में, सेकंड को कहां रख दिया, एनिमेलिया में. बट इनके क्लासिफिकेशन के दोस्तों कुछ ड्रॉबैक थे, दो तीन ड्रॉबैक आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं. जैसे इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कौन फोटोसिंथेटिक है कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है. कहने का मतलब, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. मतलब इन्होंने ये नहीं, इन्होंने क्या किया, जिनमें सेलवाल थी उनको प्लांट में रखा, जिनमें सेलवाल नहीं थी एनिमल में रख दिया. लेकिन फंजाई क्या करता है, फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, और अदर प्लांट्स जितने भी हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. इन्होंने फंजाई और अदर प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया, प्लांटी में रख दिया. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया कैसा है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स को इन्होंने क्या किया, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ रख दिया, क्योंकि इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है. इन्होंने सबको एक जगह कर दिया, सिर्फ सेलवाल के बेसिस पर एक जगह कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है. क्लेमाइडोमोनास क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर होता है. और दूसरी तरफ हम लोग देखें, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर होता है उनको भी एक ग्रुप में डाल दिया. कहां पर, एल्गी में प्लेस्ड कर दिया, और एल्गी कहां पर है, प्लांटी में. इन्होंने प्रॉपर चीजें डिफाइन नहीं की, बस दो किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया सेलवाल के बेसिस पर. बट इनके कुछ ड्रॉबैक्स आए, तो हम लोग ड्रॉबैक्स को देखते हैं, लिखते हैं, और उनके एग्जांपल्स भी नोट करते चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक. अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक या डीमेरिट, डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहली डीमेरिट हम लोग देखेंगे. पहली डीमेरिट क्या थी, नो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट. इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, सबको उठा के सेलवाल के बेसिस पर प्लांटी और एनिमेलिया में प्लेस कर दिया. तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को. तो बैक्टीरिया, आपका जो बैक्टीरिया है एंड बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती हैं. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने प्लेस कर दिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस किया बेटा रुक जाओ प्लेस्ड विद ब्रायोफाइट्स
ट्रायोफाइट्स, केरिडोफाइट्स, केरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन्होंने क्या किया, स्पर्म, इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, इन्होंने क्या किया बच्चों, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ प्लेस कर दिया। इन्होंने ये प्रॉपर डिफाइन नहीं किया कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सबको एक जगह रख दिया। तो ये हुआ आपका पहला डिमेरिट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड डिमेरिट को, लोग क्या देखते हैं, सेकेंड डिमेरिट को देखते हैं, दूसरा डिमेरिट। सेकेंड डिमेरिट क्या था, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ प्लेस कर दिया था। इन्होंने क्या किया, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने किया बच्चों, इन्होंने स्पायरोगायरा के साथ इन्होंने क्या किया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास को, क्लेमाइडोमोनास जो था, क्लेमाइडोमोनास को प्लेस्ड कर दिया किसके साथ, प्लेस्ड विद स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास को क्या किया, प्लेस कर दिया स्पायरोगायरा के साथ, कहां पर, एल्गी में। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगायरा क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एक साथ प्लेस कर दिया। तो ये हुआ सेकेंड डिमेरिट। अब हम लोग थर्ड को समझते हैं, ठीक है, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो ये चीजें नोट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरी डिमेरिट को, थर्ड डिमेरिट। ना तो इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएशन बताया, ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएशन बताया, ना ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंशिएशन बताया। तो थर्ड क्या होगा, नो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोट्रॉपिक प्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया, फंजाई को उठा के, प्लांट्स फंजाई को उठाया और कहां पर रख दिया, फोटोसिंथेटिक वाले के साथ रख दिया, सबको एक ही किंगडम में डाला। फंजाई में इनको पता था सेल वॉल होती है, फंजाई को उठाया और प्लांटी किंगडम में डाल दिया। यहां तक चीजें क्लियर, फंजाई को कहां प्लेस कर दिया, इन्होंने फंजाई को प्लेस कर दिया प्लांट्स के साथ, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के साथ। यहां तक चीजें क्लियर, फंजाई कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो टोटल तीन डिमेरिट थी इनकी, टोटल कितनी डिमेरिट थी, तीन डिमेरिट थी। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को, आप लोग ये नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग हम लोग की बनेगी थ्री किंगडम थ्री किंगडम सिस्टम।
थ्री किंगडम सिस्टम जो है इसे प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल साहब ने। थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल साहब ने प्रपोज किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस किया था, अर्नेस्ट हैकल साहब ने। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय हैकल। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा थर्ड किंगडम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। तो जब भी आपसे सवाल बने कि प्रोटिस्टा पहले आया था कि मोनेरा, तो अगर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटिस्टा को इन्होंने पहले क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। थर्ड किंगडम में कौन ऐड हुआ, थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्रोटिस्टा को इस्टेब्लिश किया। और ये दिया किसने था, हैकल साहब ने दिया था, हैकल साहब ने। हाँ, तक चीजें क्लियर। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो दिया था कोपलैंड साहब ने। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर हमारे पास प्लांटी एनिमेलिया और प्रोटिस्टा ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उन्होंने एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस करा दिया जिसे हम लोग बोलते हैं मोनेरा। तो हम लोग अब नोट करेंगे, हम लोग देखेंगे फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये थ्री किंगडम और फोर किंगडम आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक्स में नहीं है, फिर भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक सिक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो वो टू किंगडम और फाइव किंगडम है जो आपकी बुक्स में मेंशन है, और थ्री डोमेन, ठीक है। हम लोग देखते हैं फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को, हमारी हेडिंग क्या बनेगी, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंग, फोर किंगडम सिस्टम जो है ये प्रपोज किए थे कोपलैंड साहब। फोर किंगडम सिस्टम प्रपोज किया कोपलैंड साहब ने, प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन है बच्चा, एक सेकंड, फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कोपलैंड साहब ने। इन्होंने एक नए किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं फोर किंगडम सिस्टम ने क्या किया, मोनेरा को इंट्रोड्यूस। हमारे पास तीन किंगडम ऑलरेडी प्रेजेंट थे, कौन कौन से, प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। इन्होंने किसे इस्टेब्लिश किया, मोनेरा को किया। सब चीजें क्लियर, उन्होंने किसे इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था कोपलैंड साहब ने। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपका, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग की हेडिंग बनेगी फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारी हेडिंग बनेगी फाइव किंगडम सिस्टम या फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन। यहां से सवाल बनते हैं, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों, ये प्रपोज किया था आर्यच विटकर साहब ने, आर्यच विटकर साहब ने 1969 में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर्यच विटकर। यहां तक चीजें क्लियर? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर्य छिटकर साहब ने दिया, और इसके लिए कुछ बेसिस इन्होंने लिए। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किन किन चीजों पर बेस्ड होता है, किस आधार पर इन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने टोटल पांच क्राइटेरियाज दिए फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, पांच क्राइटेरिया दिए। पहला कौन सा था? पहला आपका होगा सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा फाइलोजेनी, थर्ड क्या होगा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पांचवा क्या होगा? रिप्रोडक्शन। इन्होंने टोटल पांच क्राइटेरिया दिया बच्चों, पांच क्राइटेरिया बताया, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने उस हिसाब से क्लासिफाई किया। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आपके किंगडम शामिल हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम हैं आपके। आपके पास प्लांटी पहले से था, देन हिमालया भी था, यानी या यहाँ पर आ गया आपका प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा, एंड मोनेरा के बाद इन्होंने किसे इस्टेब्लिश किया? पंजाई को आर्यच विटकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया। पंजाई को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आर्यच विटकर साहब ने। ये पांचों किंगडम किस बेसिस पर डिवाइड किए गए, हम उस बेसिस को समझते हैं। हमने आपसे बताया रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टोटल पांच क्राइटेरिया दी गई थी फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम उन क्राइटेरिया को देखते हैं, टोटल पांच क्राइटेरिया दी गई थी, फाइव क्राइटेरिया। पांच क्राइटेरिया क्या थी हम लोग देखते हैं यहीं पर। ठीक है, पांच क्राइटेरिया जो हैं लोग उसको, पहला आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका होगा रिप्रोडक्शन, क्या होगा? रिप्रोडक्शन। तो सेकेंड आपका क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर। थर्ड आपका क्या होगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एफिनिटी की बात कर रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंसेस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, रिलेशनशिप। फोर्थ आपका क्या होगा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ क्या होगा आपका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिफ्थ होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक चीजें क्लियर आपके? ये टोटल पांच क्राइटेरिया लिए गए थे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है। यहाँ तक चीजें क्लियर? रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है।
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है एंसेस्ट्री की बात कर रहा है आपसे, एफिनिटी की बात कर रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? अब हम लोग फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये एक टेबल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, उस टेबल को डिस्कस करते हैं। बाकी फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया और पांचों किंगडम को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग टेबल देखते हैं। ठीक है बच्चों, टेबल डिस्कस करते हैं हम लोग। ये रहा टेबल आपके सामने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट बच्चों? एक सेकंड बच्चों, ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस साइड लिखे गए हैं आपके पांच किंगडम्स, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सेल टाइप को। सेल टाइप को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे सेल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे थे? सेल स्ट्रक्चर। देखना भैया मोनेरा कैसा, मोनेरा कैसा है, कैसा सेल टाइप है उसका, कैसा सेल स्ट्रक्चर है। मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया। मोनेरा कैसा है, कैसा सेल कंटेन करता है या कैसा सेल है? मोनेरंस जो होते हैं वो कैसे सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा कैसा सेल है? प्रोटिस्टा का सेल स्ट्रक्चर कैसा है? यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा का कैसा है स्ट्रक्चर? यूकैरियोटिक। अब फंजाई की बात करते हैं, फंजाई भी आपका कैसा है? यूकैरियोटिक है। फंजाई कैसा है? यूकैरियोटिक है। देन अगर हम बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी भी क्या है? यूकैरियोटिक है। और अगर हम बात करते हैं एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया क्या है? यूकैरियोटिक है। तो हमको क्या पता चला, जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया, उसको देखकर हमें ये मालूम चला कि एक ऐसा किंगडम है जिसको हमने प्रोकैरियोट में रखा है। इसे हमने कहाँ पर रखा है? प्रोकैरियोट में रखा है। और वो कौन है? वो मेंबर है मोनेरा। जितने भी मोनेरंस होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और कहाँ पर रखे गए हैं? प्रोकैरियोट्स में रखे गए हैं। बाकी प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ, प्लांटी एंड एनिमेलिया हुआ, ये कहाँ पर प्लेस हैं? ये यूकैरियोट में प्लेस हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेल टाइप के बेसिस पर किंगडम को डिवाइड कर दिया। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो प्रोकैरियोट्स थे उनको प्रोकैरियोट में रख दिया, जो यूकैरियोट्स थे उनको यूकैरियोट में रख दिया। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बेसिस पर। सेल वॉल हम लोग देखते हैं, हालांकि इन्होंने ये क्राइटेरिया नहीं लिया था, फिर भी ये टेबल में दिया गया है, तो हम लोग सेल वॉल भी डिस्कस करते हैं। तो प्रोकैरियोट की सेल वॉल जब हम लोग देखते हैं तो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है दोस्तों, वो नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होगी, तो बनी किसकी होगी? जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन या उसको बोलते हैं म्यूरिन। और पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होते हैं एंड अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड और पॉलीसेक्राइड मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए ब्रेकेट में लिखा है पॉलीसेक्राइड्स एंड प्लस अमीनो एसिड। प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड की बनी होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन बोलेंगे या म्यूरिन बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा की सेल वॉल की। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या ग्रुप, हाँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या क्लासेस होती हैं जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अगर हम प्रोटिस्टा को डिवाइड करें, प्रोटिस्टा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटल पांच कैटेगरी में हम उसे बांट सकते हैं। पहला क्राइसोफाइट्स होगा, दूसरा डाइनोफ्लैजलेट्स, तीसरा है आपका यूग्लेनॉइड्स, चौथा आपका होगा स्लाइम मोल्ड्स, पाँचवा होगा प्रोटोजोअन।
यहां तक चीजें क्लियर। तो जब हम देखते हैं तो क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजलेट में तो सेल वॉल दिखती है, बट यूग्लिनॉइड्स, आपका स्लाइम मोल्ड्स एंड आपके जब प्रोटोजोअन की हम बात करते हैं तो वहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहां तक चीजें क्लियर। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है, उसकी जगह पर वहां पर पेलिकल की प्रोटीनेसियस लेयर पाई जाती है जो उसे क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है यूग्लिनॉइड्स को। यहां तक चीजें क्लियर। तो कुछ ऐसे कैटेगरी यहां पर हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा में जहां पर सेलवाल पाई जा सकती है, और वहां पर सेलवाल मिलेगी तो किस कैसी सेलवाल होगी, सेलोजिक सेलवाल होगी। कैसी सेलवाल होगी, सेलोजिक सेलवाल होगी। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है हमको, जो चीजें हैं हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अब हम लोग सेलवाल में देखते हैं फंजाई। फंजाई में लिखा है कि सेलवाल तो प्रेजेंट होती है, यहां पर लिखा है सेलवाल प्रेजेंट होती है, बट कैसी होती है, विदाउट सेलुलोज की होती है। कैसी होती है, विदाउट सेलुलोज की होती है। इसका मतलब सेलवाल तो प्रेजेंट है फंजाई में, बट वहां पर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट होगा क्या, प्रेजेंट वहां पर होगा दोस्तों फंजाई की सेलवाल में प्रेजेंट होगा काइटिन, और दूसरा कंपोनेंट अगर हम समझें तो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है पॉलीसेकेराइड। ये दो चीजें वहां पर प्रेजेंट होंगी। मेनली क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्लांटी को। प्लांटी में तो सेलवाल प्रेजेंट है, और कैसी सेलवाल है, सेल्युलोजिक सेलवाल है, सेल्युलोज की बनी हुई सेलवाल है। हेमी सेल्युलोज भी पाया जाएगा, पेक्टिन पाए जाएंगे। चीजें क्लियर। तो प्लांट की सेलवाल क्या होगी, सेलुलोजिक होगी। एनिमल में सेलवाल का कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चों, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें सेलवाल पाई जाए, ऐसा कोई भी एनिमल प्रेजेंट नहीं है जिसमें सेलवाल पाई जाए। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। तो ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, सेल टाइप एंड सेलवाल क्लियर हुआ आपका। आप लोग कमेंट्स करके बताते रहिए, सेल टाइप एंड सेलवाल क्लियर हुआ। अब हम लोग थर्ड वाले क्राइटेरिया को देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं दोस्तों, मोनेरंस या जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने के कारण इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही घूमता टहलता रहता है, जिसे हम न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर देखते हैं, तो मोनेरंस में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाए जाने के कारण यहाँ का न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस जो है इनसिपिएंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं या प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हिंदी की बात हम लोग करें तो उसे बोलेंगे आद्य केंद्रक। यहाँ तक चीज़ें सही है। अब हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा जो है बच्चों, हम लोग यहीं से ध्यान देते रहेंगे, आगे जब हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ये जो फीचर्स आप पढ़ रहे हो ये दोस्तों आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बात करते हैं अब हम लोग प्लांटी की। प्लांटी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लांटी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। और एनिमल्स में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका मतलब मोनेरंस ही एक ऐसा किंगडम है, मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। एक सवाल आपको मिला, मोनेरंस ही ऐसा, मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। सवाल आपसे ऐसे ही छोटे छोटे बनेंगे, या तो इन्हीं सब सवालों को वो क्या करेंगे, असर्शन रीजन के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ऑलरेडी जो क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं वहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोले हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सेलुलर। मोनेरंस जो होते हैं किंगडम मोनेरा के जो भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल के बने हुए होंगे। बट प्रोटिस्टा का जो मेंबर होगा ये भी यूनिसेलुलर होगा। प्रोटिस्टा का मेंबर भी क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। बात करते हैं फंजाई की। फंजाई का जो मेंबर होगा वो मल्टीसेलुलर होगा या तो लूज टिश्यू का बना हुआ होगा, मल्टीसेलुलर होगा या लूज टिश्यू का बना हुआ होगा। अब जब हम प्लांटी की बात करते हैं तो ये भी मल्टीसेलुलर होता है, बट यहाँ पर टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ रहता है। प्लांट्स में कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में। ऑर्गन सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिर्फ एनिमल्स में होगा। प्लांट्स में क्या होंगे, टिश्यू होंगे या तो ऑर्गन होंगे। हम कभी भी प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम का
ऑर्गन सिस्टम टर्म का यूज नहीं करेंगे, ये चीजें हम एकदम क्लियर रखेंगे अभी से, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे तो ये बेसिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब एनिमल की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर टिश्यू भी पाए जाएंगे, ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाएंगे। इसका मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लोग देखते हैं तो अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन सा किंगडम है, तो आपके पास जवाब होगा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ही एक ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर होता है और कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास होती है, कैसा न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग डिस्कस करते हैं। मोनेरा में क्या होगा दोस्तों, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक भी होगा। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिकली भी, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस में भी कैसी फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस में ये कीमोसिंथेटिक भी कर सकता है और फोटोसिंथेटिक भी, मतलब कीमो ऑटोट्रॉप भी होगा और ऑटोट्रॉप तो होगा ही, मतलब ये केमिकली भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब सेप्रोफाइट होगा या तो पैरासाइट होगा। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करे, सड़े गले पदार्थ को जो खा के अपना जीवन बिताए उसे सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। पैरासाइट्स का मतलब क्या है, पैरासाइट्स का मतलब जो पैरासिटिक बिहेवियर शो करे, डिजीज काज करे, उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा कैसा होता है, प्रोटिस्टा जो होता है आपका ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस शो करता है। कैसी फोटोसिंथेसिस शो करेगा, फोटोसिंथेटिक होगा। और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर फोटोट्रॉपिक होंगे, मतलब ऑटोट्रॉपिक होंगे, कुछ हेटरोट्रॉपिक होंगे। अब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई जो है टोटली हेटरोट्रॉपिक होता है, फंजाई का कोई भी मेंबर फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, या तो वो सेप्रोफिटिक होगा या तो पैरासिटिक होगा। सेप्रोफिटिक का मतलब अभी हमने आपसे डिस्कस किया, सड़े गले पदार्थ पर क्या करेगा, डिपेंड रहेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहेगा। और ये करता क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है, बाहर डाइजेस्ट करके फिर उसको क्या करता है, शक कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और पैरासिटिक का मतलब डिजीज काजिंग होगा, जैसे बहुत से ऐसे फंगस हैं जो डिजीज काज करते हैं, जैसे कि अगर हम पक्सीनिया की बात करें तो रस्ट डिजीज काज करेगा, और यूस्टुलेगो की बात करें तो स्मट डिजीज काज करेगा। तो ऐसे ढेर सारी डिजीजेज हैं जो फंजाई काज करता है। प्लांट की बात करते हैं, प्लांट कैसी फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ऑटोट्रॉपिक। कैसी फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद एनिमल्स की हम बात करते हैं, एनिमल्स कैसा है, एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक है, ऐसा है, हेटरोट्रॉपिक है। एनिमल्स क्या करेगा, हेटरोट्रॉपिक बिहेवियर को शो करेगा। हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब क्या है, ये अपने फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, निगलेगा, निगल कर खाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मोनेरा है वो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक भी शो कर रहा है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। कैसा है, फोटोसिंथेटिक भी है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर लेगा और कीमोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर लेगा। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मान लेते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको ऑक्सीडाइज करेगा और एटीपी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो जैसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग यही तो करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस शो करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है ना। तो ये रहा आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जिसे हम थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो यहां पर किसी को कोई डाउट, यहां पर किसी को कोई डाउट बच्चों, चलो हम लोग देखते हैं।
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। हमारी हेडिंग बनेगी सिक्स किंगडम सिस्टम। यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, कहीं किसी को कोई डाउट होगा वो भी कमेंट करेगा, शर्माएगा नहीं, ठीक है। चलो, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये प्रपोज किया था कार्ल वूज साहब ने। इसे प्रपोज किया था किसने? कार्ल वूज करके एक साइंटिस्ट थे। तो हम लोग देखते हैं, प्रपोज्ड बाई कार्ल इन्होंने क्या किया, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी, मतलब एक बड़ा ही अच्छा काम किया। मोनेरा को इन्होंने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया या दो भागों में बांट दिया। मोनेरा में इन्होंने एक डोमेन बनाया आर्की, दूसरा डोमेन बनाया बैक्टीरिया का। मतलब मोनेरा को इन्होंने दो भागों में तोड़कर एक को बना दिया आर्की, जिसमें इन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया को, और दूसरे को क्या बनाया, बैक्टीरिया, जिसमें इन्होंने रखा बैक्टीरिया को या यू बैक्टीरिया को। और तीसरा डोमेन कौन सा बनाया इन्होंने, यूकेरिया, जिसमें ऑलरेडी चारों यूकेरियोट्स शामिल थे, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो हम लोग देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है बच्चों, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग खिंचाएंगे नहीं पूछने में, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, तीन डोमेन का फॉर्मेशन किया। पहला इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया आर्की। सेकेंड बैक्टीरिया, और थर्ड आपका क्या होगा, यू कैरिया। ये तीनों क्या हैं, डोमेन्स हैं। इन्होंने तीन डोमेन बना दिए। एक सेकेंड, उन्होंने तीन डोमेन्स बना दिए, पहले को बोला आर्की, दूसरे को बोला बैक्टीरिया और तीसरे को बोला यूकेरिया, ठीक है। आर्की में इन्होंने रखा, इन्होंने मोनेरा को तोड़ के, एक सेकेंड, क्लियर, इन्होंने मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डोमेन को बनाया आर्की, दूसरे को बैक्टीरिया, तीसरे को यूकेरिया। इन्होंने आर्की में किसे रखा, आर्की में इन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किसे रखा, यू बैक्टीरिया। यहाँ पर किसे रखा, जितने भी यूकेरियोट्स थे, हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया को, रखा आर्की बैक्टीरिया को। यहां पर इन्होंने रखा यू बैक्टीरिया को, यहां पर इन्होंने किसे रखा, बैक्टीरिया को। यहां पर रखा प्लांटी को, प्लांटी को, एनिमेलिया को, एनिमेलिया को, फंजाई को एंड प्रोटिस्टा। और किसे,
इन्होंने यही काम किया, यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। का डिवीजन बेसिस पर उन्होंने तीन डोमेन का फॉर्मेशन किया, थ्री डोमेन्स का फॉर्मेशन कर दिया, आर्की को, बैक्टीरिया को और यूकेरिया को। और क्या बनाया, आर्की बैक्टीरिया में आर्की में इन्होंने रखा आर्की को, आर्की बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को एंड ये प्लांटी एनिमेलिया फंजाई एंड प्रोटिस्टा को। तो चार किंगडम यू कैरिया में आया और यू बैक्टीरिया पांचवा किंगडम और आर्की बैक्टीरिया छठा किंगडम। इसी को हम क्या बोलेंगे, सिक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिक्स किंगडम, सिक्स। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, आपके छह किंगडम हुए, ये तीन डोमेन हुए। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई बच्चों, इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ स्लाइड को, जो एनसीईआरटी में आपकी मैटर्स दिए गए हैं उसको हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसको हम लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ लेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा को, मोनेरा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा को। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होके सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की स्लाइड को। चलो ये रहा आपका पहला, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिविलाइजेशन जब हो रही थी तो कई अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफिकेशन के लिए, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया उसके लिए नहीं था, यूज के बेसिस पर थे साइंटिफिक, कोई क्राइटेरिया नहीं था साइंटिफिक, बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज, कैसा था, यूज के बेसिस पर क्या किया इन्होंने, यूज के बेसिस पर मान लीजिए जो चीजें मेडिसिनल थी तो क्या किया, मेडिसिन के फॉर्म में रख दिया। जो चीजें जैसे बैल है जुताई का काम आपका कर रहा है उसको कहां पर रख दिया, तो अलग कैटेगरी में रख दिया। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, यूज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, कोई साइंटिफिक मेथड या कोई क्राइटेरिया लेकर क्लासिफिकेशन शुरुआत में नहीं हुई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, फॉर जैसे फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं एरिस्टोटल, नाम आता है एरिस्टोटल साहब का। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस, सबसे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया एरिस्टोटल साहब ने, कैसा था इनका क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो अगर आपसे सवाल बने कि सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, एरिस्टोटल साहब को लगाएंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हमने आपको बताया कैसा कैरेक्टर लिया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था। उन्होंने देखा कि प्लांट लाइक कैरेक्टर्स उन्होंने देखे, प्लांट लाइक कैरेक्टर का मतलब रूट देखा, स्टेम देखा, फ्लावर्स देखे, उसके पत्तियां देखी, तो उन्होंने क्या किया प्लांट में रख दिया। एनिमल लाइक कैरेक्टर देखे, लोकोमोशन देखा कि प्लांट लोकोमोशन नहीं कर पा रहा था बट एनिमल तो चल फिर रहा था, उसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया, प्लांट को ट्री श्रब एंड हर्ब के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, प्लांट को तीन कैटेगरी में डाल दिया, प्लांट को इन्होंने उठाया और तीन कैटेगरी में डाल दिया कि एक छोटा प्लांट होता है, एक झाड़ीदार उससे बड़ा प्लांट होता है, एक बिल्कुल बड़ा प्लांट होता है जिसे हम ट्री बोलते हैं। और उसके बाद ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल, एनिमल को भी इन्होंने डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट हो, क्या हो, रेड ब्लड प्रेजेंट हो,
एंड दोज हैड दोज दैट डिड नॉट, जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट हो और जिसके पास रेड ब्लड अब्सेंट हो। तो इन्होंने क्या किया, जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोल दिया इनेमा, जिनके पास रेड ब्लड अब्सेंट था उसको बोला एनाइमा। यहां तक चीजें क्लियर? ये आपका था अर्लिस्ट, जो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया था अरिस्टोटल साहब के द्वारा, उसका डिस्कशन एनसीईआरटी के आपके पहले पेज पर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं लिनियस साहब का टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम लोग एनसीईआरटी को साथ में करते चलेंगे जिससे कोई डाउट न रहे और हमारी एनसीईआरटी भी साथ में रीडिंग होती रहे। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? चलो, इन लिनियस टाइम हुआ क्या, अब लिनियस साहब के टाइम में, लिनियस टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटियन एनिमेलिया। इन्होंने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और किसमें डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बताया कि प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। बेसिस क्या था इनका, डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। बेसिस था सेलवाल, इन्होंने देखा जहां पर सेलवाल प्रेजेंट था उसको उठा के इन्होंने क्या किया, प्लांट में डाल दिया, जहां पर सेलवाल एब्सेंट था उसे उठाकर एनिमल में प्लेस कर दिया। बट इसके कुछ क्या हुए, डिमेरिट्स आ गए, जैसे इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कोई भी अंतर नहीं बताया था, मल्टीसेलर यूनिसेलर में कोई अंतर नहीं बताया था, फोटोसिंथेटिक एंड पैरासिटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक या हेटरोट्रॉपिक में कोई अंतर नहीं बताया था। हम लोग आगे पढ़ते हैं, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्यूश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये सिस्टम क्या नहीं किया, डिड नॉट डिस्टिंग्यूश, डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को, ठीक है। इस सिस्टम के द्वारा हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे थे यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ना तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर में कर पा रहे थे, ना ही फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी या नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई में डिफ्रेंशिएशन हो पा रहा था। इन्होंने इनके क्या हुए, ये सब डीमेरिट्स हुए। इस कारण से ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तभी तो थ्री किंगडम आया, तभी तो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अगर टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पर्याप्त होता, एडिक्वेट होता, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ किंगडम या फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आने की आवश्यकता ही ना पड़ती। हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजिली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अर्लियर कैटेगरी, हेंस द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। वही चीज बोल रहा है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंडेड इनएडिक्वेट। लंबे समय एक समय के बाद ये क्या हुआ, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त हो गया, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सारी चीजों को डिफाइन कर ही नहीं पा रहा था। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग देखते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को। आर एच फिटकर साहब ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर एच फिटकर 1969 प्रपोज्ड फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या प्रपोज किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। डिफाइंड बाई हिम वर नेम्ड, इन्होंने क्या बोला, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने पांच किंगडम में डिवाइड किया और उनका नाम क्या था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था एंड एनिमेलिया था। द मेन क्राइटेरिया, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए, बेसिस दिए, ये जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं फाइव किंगडम, इसके लिए कुछ इन्होंने बेसिस दिए। यूज बाई हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, क्या दिया, सेल का स्ट्रक्चर दिया, सेल स्ट्रक्चर दिया कि एनिमल या प्लांट्स कैसे होंगे या जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, या तो प्रोकैरियोट्स होंगे या तो यूकैरियोट्स होंगे। यहां तक चीजें क्लियर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक होगा कि हेटरोट्रॉपिक होगा। फोटोसिंथेटिक में कीमोसिंथेटिक होगा कि कीमोसिंथेटिक होगा कि ऑटोट्रॉपिक होगा। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन को, और क्या दिया, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर दिया। और लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या दिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इन्होंने मेंशन किया, एंसेस्ट्री को भी देखा, एंसेस्ट्री को भी इन्होंने क्या किया, देखा। टेबल, अभी हम लोग टेबल डिस्कस किए हैं, टेबल गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग टेबल अभी डिस्कस किए हैं, आप लोग को शायद ध्यान हो कि हम लोग टेबल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब हम लोग सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का भी एनसीईआरटी में
थोड़ा सा टॉपिक दिया गया है उसको देख लेते हैं। चलो, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन सिस्टम। क्या भैया? थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। हमने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा को इन्होंने दो डोमेन में तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? दो डोमेन में। किस किस में? लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम। किंगडम मोनेरा को तोड़ दिया और यूकैरियोटिक किंगडम को एज इट छोड़ दिया। उसको क्या डोमेन बनाया? यूकैरिया। और मोनेरा को तोड़ के इन्होंने क्या बना दिया? तीसरा मोनेरा को तोड़कर इन्होंने क्या बनाया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। इन्होंने क्या किया? मोनेरा को तोड़ के आर्की को अलग कर दिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया। दो डोमेन बना दिए मोनेरा में, एक बनाया बैक्टीरिया, दूसरा बना दिया आर्की। यहां तक चीजें क्लियर? और ये क्लासिफिकेशन कौन दिया था? ये क्लासिफिकेशन दिए थे कार्ल वुड साहब। कौन? कार्ल। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हमारी हेडिंग क्या होगी बच्चों? किंगडम। हेडिंग बनाने वाले हैं किंगडम, अपनी हेडिंग होगी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में हम लोग देखेंगे जो बैक्टीरिया होता है ये किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है, मेन मेंबर होता है। बैक्टीरिया जो होता है किंगडम मोनेरा का होता है मेन मेंबर होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम एक मुट्ठी सॉइल उठाएं, एक मुट्ठी मिट्टी को अपने हाथों में लें, तो कम से कम उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया होंगे। कम से कम कितने बैक्टीरिया होंगे? थाउजेंड या हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। यहां तक चीजें क्लियर? और ये क्या होता है कि हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, जैसे पोलर एरियाज में भी पाए जा सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि हाईली साल्टी एरिया में भी पाए जा सकते हैं, हाईली टेम्परेचर वाले एरिया में भी पाए जा सकते हैं, कम पीएच वाले एरिया में, मतलब हाईली जो एसिडिक कंडीशंस होती हैं वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं, वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर आपके? तो अब हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यहां तक चीजें क्लियर? बैक्टीरिया क्या होगा? सोल मेंबर होगा, मेन मेंबर होगा किंगडम मोनेरा का। सब चीजें क्लियर आपके? चलो, अब हम लोग देखते हैं मोस्ट अबंडेंट कैसा होगा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। मोनेरन्स क्या होंगे?
सर व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? हाँ तो बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंसेस्ट्री को भी रिलेट करके इन्होंने बेसिस दिया था, एंसेस्ट्री को रिलेट करके बेसिस दिया था, जैसे ओरिजिन कब से हुई और अभी तक। जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होगा इवोल्यूशन से, जैसे जब ओरिजिन हुई तब से लेकर अब तक उसमें कितने चेंजेज आए, उसी को क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आया था अर्थ पे, अर्थ पे सबसे पहले कौन आया था, तो अर्थ पे सबसे पहले आया था कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। बट आज के टाइम पर तो बहुत ढेर सारे एनएरोब्स भी प्रेजेंट हैं, एंड एरोब्स भी प्रेजेंट है, जैसे हम लोग सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जब अर्ली टाइम में हम लोग देखेंगे, शुरुआत के समय में देखेंगे, तो अर्थ कैसी थी, रिड्यूसिंग थी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था। तो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होगा एंसेस्ट्री से या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? चलो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं सिलवाल के बारे में। मोनेरा की सिलवाल के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों, सिलवाल कैसी होगी। हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं मोनेरा की जो सिलवाल होगी किसकी बनी होगी, पेप्टाइडो। जब हम लोग टेबल पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि मोनेरा की जो सिलवाल होगी वो बनी होगी पेप्टाइडो ग्लाइकॉन या म्यूरिन की। म्यूरिन और पेप्टाइडो ग्लाइकॉन दोनों एक ही चीज़ें हैं बच्चों, परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन या म्यूरिन, और ये क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं एंड अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जो सिलवाल होगी आपकी वो किससे मिलके बनी होगी, वो या तो पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी होगी, या तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन। यहां तक चीजें क्लियर? दरअसल कमेंट हुआ हमारे मार्क, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर? बैक्टीरिया क्या होगा, सोल मेंबर होगा किंगडम मोनेरा का। सिलवाल कैसी होगी इसकी, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी या म्यूरिन की बनी होगी, और पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड को ही पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन बोलेंगे, या यही पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मोनेरा के सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं मोनेरा का बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। जो मोनेरा का सेल मेम्ब्रेन होगा, या किसी भी किंगडम का सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लाइपोप्रोटीनियस होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। कैसी होगी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। तो हमें परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे लिख लेना है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लाइपोप्रोटीनियस होगी, लाइपोप्रोटीनियस होगी, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी होगी, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी होगी। क्या यहां पर कोई सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा मोनेरा में? हम लोग देख लेते हैं, मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स
तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करें दोस्तों, तो यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। इवन यहां पर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती, ढंग का न्यूक्लियस भी नहीं होता मोनेरा के पास। कैसा न्यूक्लियस होता है? इनसिपिएंट होता है। ऐसा होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। बट यहां पर क्या सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होगा? सेल ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट होगा। एक कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा? राइबोसोम, जो कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। इसलिए हमने आपको क्या लिखवाया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोला है आपसे, ना कि सेल ऑर्गेनेल। ये चीजें ध्यान में रखनी है, आप लोग से गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम राइबोसोम की बात करें बच्चों, तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम मोनेरंस के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, और कैसा होगा, 70S का होगा। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कैसा राइबोसोम होगा? 70S टाइप का होगा। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं डीएनए की, क्योंकि न्यूक्लियस भले प्रेजेंट नहीं है बट न्यूक्लियाइड तो है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, तो डीएनए होना ही चाहिए। हम लोग बात करते हैं अब डीएनए की, कि हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए अब बात करते हैं डीएनए की। तो यहां पर कैसा डीएनए होगा बच्चों, मोनेरा में कैसा डीएनए होगा? मोनेरा का जो डीएनए होगा वो होगा डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। कैसा होगा? नेकेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, नेकेड होगा। और कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, और कोई भी हिस्टोन प्रोटीन यहां पर नहीं पाई जाएगी। तो आखिरकार अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही है, तो नॉन हिस्टोन में कौन सी प्रोटीन होगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन में होगी पॉलीएमाइंस। तो हम लोग लिख लेते हैं डीएनए कैसा होगा। डीएनए होगा बच्चों नेकेड, नंगा पुंगा डीएनए होगा। नेकेड के बाद क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। और कैसा होगा? सर्कुलर होगा। डबल स्ट्रैंडेड होगा और कैसा होगा बच्चों? सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। कौन सी प्रोटीन? नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। यहां पर हिस्टोन अब्सेंट होगा। नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन में मेनली क्या होगा? पॉली एमाइंस होगा, पॉली एमाइंस होगा। क्या होगा बच्चों? पॉली एमाइंस। यहां तक चीजें क्लियर? डीएनए कैसा होगा? नेकेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा जो कि पॉलीएमाइंस होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? जैसे यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। तो बच्चा जब डीएनए हम पैकेजिंग करते हैं, बहुत बड़े डीएनए, बहुत बड़ा डीएनए है, अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम लेंथ को देखते हैं तो 2.2 मीटर होता है। कितना बड़ा होता है? 2.2 मीटर के आसपास का होता है। तो एक सेल कितनी बड़ी है? बहुत छोटी है, एक सेल बहुत छोटी है। उसमें 2.2 मीटर का, 2.2 मीटर का डीएनए सेट करने के लिए उसकी क्या करनी पड़ती है? पैकेजिंग करनी पड़ती है। जब हम पैकेजिंग करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? पैकेजिंग करने के लिए कुछ प्रोटीन्स लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तब। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मोनेरंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पैकेजिंग का काम कौन करेगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन करेगा। कौन करेगा? पॉलीएमाइंस करेगा। यहां तक चीजें क्लियर? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्लियर सबको? यहां तक चीजें क्लियर? चलो अब हम लोग एनसीईआरटी में आपके एक पैरा दिया है सेप का, बैक्टीरिया के सेप को लेकर दिया गया है कि सेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है उन्होंने, टोटल चार कैटेगरी में। सेप के बेसिस पर चार कैटेगरी में बैक्टीरिया को उन्होंने क्लासिफाई किया है। हम लोग देख लेते हैं, सेप को डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया के सेप को डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर आपका सेप,
शेप के बेसिस पर टोटल चार कैटेगरी में बैक्टीरिया को इन्होंने बांटा है, फोर कैटेगरी, कितने कैटेगरी में, फोर कैटेगरी, कौन कौन देख लेते हैं। पहला है आपका कोकस, पहला क्या है कोकस, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है बैसिलस, सेकंड क्या है बैसिलस, थर्ड, थर्ड आपका क्या है स्पाइरिलम, क्या है स्पाइरिलम, एंड फोर्थ आपका क्या है कोमा, क्या है कोमा, कोमा या विब्रियम या विब्रियो, लोग इसको लिख लेते हैं विब्रियम। चार कैटेगरी में बांटा, इसमें कोकस में, बैसिलस में, स्पाइरिलम में एंड विब्रियम में, टोटल चार कैटेगरी में बांटा। अब हम लोग इनके शेप को देखते हैं, क्योंकि शेप के बेसिस पर ही तो इनको डिवाइड किया गया है, तो इनका शेप कैसा होगा, कोकस का शेप कैसा होगा, हम लोग कोकस का शेप देखते हैं। कोकस का शेप होगा दोस्तों, कोकस आपका होगा स्फेरिकल, क्या होगा, ये रहा आपका कोकस। एंड बैसिलस का शेप कैसा होगा, अगर हम लोग बात करें बैसिलस का, बैसिलस का शेप होगा रॉड शेप, क्या होगा यस, आपका कैसा है रॉड शेप है। स्पाइरिलम की बात अगर हम करते हैं, ये कैसा होगा स्पाइरल शेप होगा, और अगर हम बात विब्रियम के करते हैं तो ये कैसा होगा कॉमा शेप होगा, क्या होगा क्या होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर, ये आपका क्या हो गया कॉमा शेप हो गया। डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, फोकस आपका कैसा होगा स्फेरिकल शेप होगा, बैसिलस कैसा होगा, बैसिलस आपका होगा रॉड शेप होगा, और यहाँ पर जो होगा इसे हम बोलेंगे स्पोर, स्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्पोर बोलेंगे, या तो बोलेंगे इंडोस्पोर, क्या बोलेंगे इंडोस्पोर बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, हम लोग इसका शेप लिख लेते हैं, शेप भी क्या करते हैं लिख लेते हैं। फोकस आपका कैसा शेप होगा स्फेरिकल, फोकस का शेप कैसा होगा स्फेरिकल होगा, बैसिलस का शेप कैसा होगा, बैसिलस आपका होगा रॉड शेप, क्या होगा बच्चों रॉड शेप होगा। बात अगर हम स्पाइरिलम की करते हैं तो स्पाइरिलम कैसा होगा स्पाइरल शेप होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा है स्पाइरल शेप है। और विब्रियम की बात करें या विब्रियो की बात करें तो ये कैसा होगा कॉमा शेप होगा, कॉमा जैसा दिख रहा है ना, देख सकते हो आप, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। शेप के बेसिस पर ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, शेप के बेसिस पर टोटल चार कैटेगरी में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, पहला कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा तो वो तुरंत पूछेगा। ये टोटल आपके चार टाइप के बैक्टीरियम दिए गए हैं शेप के बेसिस पर, पहला कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियम, और ये इनका शेप हुआ, ये इनका क्या हुआ स्फेरिकल शेप के हो गए, रॉड शेप के हो गए, स्पाइरल शेप के हो गए, कोमा शेप। यहाँ तक चीजें क्लियर, चल बेटा आगे देखते हैं। आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होगा या किस टाइप का होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे, की बात करेंगे रिप्रोडक्शन। प्रोडक्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा दोस्तों
असेक्सुअली, ऐसा रिप्रोडक्शन होगा इसमें असेक्सुअली होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, उसकी जगह पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में तीन चीजें होती हैं टोटल, कॉन्जुगेशन, सेकेंड आपका होगा ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्जुगेशन जो होता है इसे बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। कॉन्जुगेशन में होता क्या है हम लोग देखते हैं, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया पास आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दूसरा अपने डीएनए को रिप्लिकेट करके पहले वाले बैक्टीरिया के पास भेज देता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो हम लोग सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अब्सेंट होता है, उसकी जगह पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, तब उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को, असेक्स प्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो केस बनते हैं, कितने केस, दो केस। अगर फेवरेबल कंडीशन है तब तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया फ्यूजन के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड कर लेगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना लेगा। अगर कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है तो, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, एक्सट्रीम कंडीशन आ गया, फेवरेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके पहले जब हम लोग डिस्कस किए हैं इस स्लाइड पर, तो हमने आपको एक स्पोर दिखाया है, इंडोस्पोर दिखाया है। इंडोस्पोर होता कब है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां तक चीजें क्लियर, चलो अब हम लोग देखते हैं कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तब, फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है तब कि हम लोग यहां से क्या देखिए, ये हो गई आपकी फेवरेबल कंडीशन, यहां पर हमने क्या लिख लिया, अनफेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करेगी, बाइनरी फ्यूजन कर लेगी, बाइनरी फ्यूजन को शो करेगी, मेनली फ्यूजन को शो करेगी। और बाइनरी फ्यूजन में क्या करेगी, बाइनरी फ्यूजन में होगा क्या, ये रही आपकी एक बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करके दो बैक्टीरिया का क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी, क्या करेगी, दो बैक्टीरिया, ये आपका हुआ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ये तो हुआ फेवरेबल कंडीशन की बात, कौन सी कंडीशन है, ये फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन थी तो बाइनरी फ्यूजन कर लिया। बट जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, कंडीशन जब अनफेवरेबल होती है तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, इसी को हम बोलेंगे स्पोरुलेशन, क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन, स्पोर को क्या बोलेंगे, कोरुलेशन बोलेंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन शो कर रहा है, जब कंडीशन फेवरेबल है तो बाइनरी फ्यूजन शो किया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लिया। बट अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आई, इसने क्या किया, स्पोर का फॉर्मेशन किया, इसी को हम बोलेंगे स्पोरुलेशन, क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट, आप लोग चीजें नोट करते रहिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। अब हम लोग की अगली हेडिंग बनेगी दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग हम लोग बनाएंगे।
होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। आपकी एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या करेगा, प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब्सेंट हो गया, तो अब ये करेगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये करेगा किससे रिप्रोडक्शन, जेनेटिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन से, जेनेटिक कॉम्बिनेशन से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम लोग तीन मेथड देखेंगे, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन मेथड से होगा। कौन कौन से मेथड होते हैं हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला आपका होगा कॉन्जुगेशन, क्या होगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि दो बैक्टीरिया पास में आएंगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगी, और उसके बाद पहले वाला बैक्टीरिया अपने डीएनए को रिप्लिकेट करके सेकेंड वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा थ्रू दी कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसी को बोलेंगे कॉन्जुगेशन। सेकेंड आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिफिथ साहब ने, ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी। आपके लिए बस अभी के लिए इतना ही जरूरत है। एंड थर्ड होता है आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांस। तो कॉन्जुगेशन कैसा होता है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन जो है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, क्या होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यहाँ तक चीजें क्लियर, चलो जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब्सेंसी में यहाँ पर होगा क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन मेथड से होगा, पहला कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा। हमने आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताया कि मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, कॉन्जुगेशन को हम लोग समझ लेते हैं, ये एक बैक्टीरिया है का न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या हुआ पास आए और क्या बनाए, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करके दोनों बैक्टीरिया क्या हुए, अटैच हो गए। ये आपका क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब है। इसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस का एक, अपने न्यूक्लियस का नहीं सॉरी, अपने डीएनए का कॉपी किया, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ होता ही नहीं है, अपने डीएनए का कॉपी किया और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर, इसी को बोलेंगे कॉन्जुगेशन। को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोले। तो ये आपका फिनिश होता है रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक, ये आपका रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक फिनिश होता है मोनेरा में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को, जिसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को भी पढ़ेंगे और बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी ने यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया है फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉपिक के बेसिस पर। फोटोसिंथेसिस में किसको रखा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में किसको रख दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया है, एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आपके बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में, हमारी हेडिंग क्या बनेगी, आर्की बैक्टीरिया। हेडिंग बनेगी बच्चों बैक्टीरिया,
आर्की बैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलने का या ग्रुप ऑफ ओल्डेस्ट बैक्टीरिया बोलने का मीनिंग क्या है? तो इनको ओल्डेस्ट बैक्टीरिया या ग्रुप ऑफ ओल्डेस्ट बैक्टीरिया बोलने का, एंशियंट बैक्टीरिया बोलने का रीजन ये था कि ओरिजिन से ये बहुत पहले से प्रेजेंट हैं, सबसे पहले यही लोग आए थे। कैसे होते हैं? कीमो हेटरोट्रॉप होते हैं। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ही ओरिजिनेट हुई थी। क्या हुई थी? आर्की बैक्टीरिया ही क्या हुई थी? ओरिजिनेट हुई थी लाइफ के फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट फॉसिल। और इसे क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया। और क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया। लिविंग फॉसिल बोले जाने का कारण क्या है बच्चों? लिविंग फॉसिल इसे ये बोला जाता है क्योंकि ये जब से ओरिजिन में आए तब से इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जब ओरिजिनेट हुए थे जैसे थे, आज तक बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं आया इनके अंदर, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसी को क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल। आर्की बैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया बोलेंगे। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? हैबिटेट के बारे में, लोग इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैबिटेट, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे। हाईली एक्सट्रीम कंडीशन का क्या मतलब है? साल्टी एरिया में पाए जाएंगे बच्चों, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर पीएच कम होगा मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन में पाए जाएंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हाईली हैबिटेट में लिखेंगे, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन। कैसे हैबिटेट में पाए जा रहे हैं? बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा रहे हैं। अब कोई भी बैक्टीरिया 100 डिग्री के ऊपर पाया जा रहा है, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है वहाँ पर भी प्रेजेंट है, इवन 1000 डिग्री पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसा क्या इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये सर्वाइव कर पा रहे हैं? हम आप 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जब टेम्परेचर आता है तो परेशान होने लगते हैं। अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का 40 डिग्री 45 डिग्री आया तो हम आप एसी कूलर ढूंढने लगते हैं, बट ये 1000 डिग्री 500 डिग्री टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो बिल्कुल बच्चों, इनके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते, या अदर बैक्टीरिया से इनको डिफर करते हैं। तो इनके हम लोग सेल वॉल के बारे में देखते हैं, देन सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो इनका सेल वॉल कैसा होता है? इनका सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होगा बच्चों वो बना होगा स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान का, पेप्टिडोग्लाइकान का नहीं बना होगा, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होगा या स्यूडो म्यूरिन का बना होगा। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन का होता है, बट इनका सेल वॉल कैसा होगा? स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान का होगा। किसका बना होगा? स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान या स्यूडो स्यूडो म्यूरिन का बना होगा। हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने का पहला रीजन क्या है?
इनका जो सेल वॉल है वो स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान या स्यूडो म्यूरिन का बना हुआ है। सेकेंड सेकेंड चीजें क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, इनका सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोग की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, लाइपोप्रोटीनियस होती है, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, ठीक है। इनके सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड और प्रोटीन पाया जाएगा, बट लिपिड हम लोगों के सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड होती है वो बाइलेयर्ड लिपिड होती है, और कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। बाइलेयर्ड होने के साथ साथ उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, बट इनका जो लिपिड है, इनके सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो मोनोलेयर होगी, और क्या करेगी, उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगी। और ब्रांचिंग प्रेजेंट होने के कारण या मोनोलेयर लिपिड में ब्रांचिंग प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि ये उनको स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन का क्या होगी, इनकी सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो मोनोलिपिड लेयर की बनी होगी, कैसी होगी, मोनोलिपिड लेयर की होगी, मोनोलिपिड लेयर की होगी, और कैसी होगी, प्लस में ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगी, क्या होंगी, ब्रांच्ड होंगी। ये दो कंडीशंस हैं जिसके कारण आर्की बैक्टीरिया हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर रही है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकान के मिलके बनी हुई है, और जो इसका सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है वो कैसा है, मोनोलिपिड लेयर है, मोनोलेयर का है, सिंगल लेयर है, और कैसा है, ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग होने के कारण क्या होता है बच्चों, ब्रांचिंग होने के कारण स्टेबिलिटी यहाँ पर इसकी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और देखते हैं टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स को डिस्कस करते हैं हम लोग, आर्की बैक्टीरिया के टाइप को डिस्कस, ध्यान देना बच्चा, टाइप्स, तो टोटल आर्की बैक्टीरिया कुल मिला के तीन टाइप की होंगी। पहला क्या होगा, हेलोफाइल्स, सेकेंड होगा थर्मो एसिडोफाइल्स, और थर्ड आपका होगा मिथिनोजेंस। हेलोफाइल्स का मतलब क्या है, हेलोफाइल्स जो साल्टी एरिया में मिले, जो हाईली साल्टी एरिया में पाया जाए, जो कैसा हो, साल्ट लवर हो। थर्मो एसिडोफाइल्स कैसा होगा, वो हाई टेम्परेचर में पाया जाएगा, हाईली एसिडिक कंडीशन में पाया जाएगा, जिसे हम टेम्परेचर लविंग बोल सकते हैं। थर्ड आपका क्या होगा, मिथेनोजेंस, वो क्या करेगा, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा, बायोगैस का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग बिल्कुल डाउट नहीं रखेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये टाइप्स को। तो ये कितने टाइप का है, टोटल थ्री टाइप का, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट को हम लोग लिखेंगे हेलोफाइल, ये क्या होगा, साल्ट लवर होगा। सेकेंड आपका होगा थर्मो, थर्मो का मतलब बच्चों टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिडिक कंडीशन, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। और थर्ड आपका होगा मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस का मतलब जो मीथेन का फॉर्मेशन करे, जो मीथेन का क्या करे, फॉर्मेशन करे। अब हम लोग देखते हैं हेलोफाइल्स कहाँ पर पाया जाएगा, हेलोफाइल्स पाया जाएगा साल्टी एरिया में, कहाँ पर होगा, साल्टी एरिया में होगा, साल्ट लवर होगा। जहाँ पर साल्टी एरिया ज़्यादा है या जहाँ पर साल्टी कंडीशन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। थर्मो एसिडोफिल जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर कंडीशन एसिडिक बनती है बच्चों तो पीएच क्या होगा, पीएच कम होगा, पीएच कैसा होगा, पीएच इनका कम होगा। जिस भी एरिया में ये पाए जाएंगे थर्मोइसडोफाइल्स वहाँ का पीएच क्या होगा,
कम होगा, मतलब एसिडिक कंडीशन होगी। पीएच अगर ज्यादा होगा तो कैसी कंडीशन आएगी, एल्कलाइन कंडीशन आएगी या बेसिक कंडीशन आएगी। अब हम लोग समझते हैं मिथिनोजेंस को। मिथिनोजेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पाया जाएगा मार्सी एरिया में। कैसे एरिया में, मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया का मतलब जैसे पैडी फील्ड हो गया, राइस फील्ड हो गया, मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया का मतलब राइस फील्ड, राइस फील्ड। यहां तक चीजें क्लियर। हेलोफाइल्स साल्टी एरिया में होगा, थर्मोएसिडोफाइल्स टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होगा वहां पर होगा, या पीएच जहां पे कम होगा मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन होगी वहां पर पाया जाएगा। ठीक है, मतलब हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा। यहां हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा, स्प्रिंग्स। ठीक है, मिथिनोजेंस जो होता है बच्चों, ये कैटल्स के, रोमिनेंट कैटल्स जो होते हैं, जो जुगाली करने वाले कैटल्स होते हैं, जैसे जब हम लोगों ने कभी भी गाय भैंस को खाना खाने के बाद या चारा खाने के बाद हम लोग देखते हैं तो वो अपना मुंह ऐसे ऐसे करके चलाता रहता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, जुगाली करना बोलते हैं। तो जो जुगाली करने वाले कैटल्स हैं जिन्हें हम रूमिनेंट कैटल्स बोलते हैं, उनकी गट में भी पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया या मिथिनोजेंस उनकी गट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मिथिनोजेंस के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट, रूमिनेंट, जैसे कि काउज हो गए आपका, क्या हो गए, काउज हो गए, गाय हो गई, एंड बफेलोज, एंड क्या, बफेलोज। तो गाय भैंस के गट में भी ये प्रेजेंट होगा। यहां तक चीजें क्लियर। और ये कहां पर होगा, कैटल डंग से ये क्या करता है, प्रोडक्शन कराता है बायोगैस का। तो और ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या कराएगा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस मींस मेथेन का प्रोडक्शन कराएगा, इसीलिए तो इसे मिथेनोजेंस बोला जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम कैटल डंग, कैटल फ्रॉम कैटल डंग। गाय और भैंस का जो गोबर होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है बायोगैस का। और वो बायोगैस का फॉर्मेशन कौन कराता है, मीथेन का फॉर्मेशन कौन कराता है, डंग में क्या होता है, गोबर में क्या होता है, मिथिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन करा देते हैं। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, कैटल डंग में प्रेजेंट होगा और बायोगैस का प्रोडक्शन करा देगा। यहां तक चीजें क्लियर। हेलो, एक घंटा लगा, ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर। यहां पर हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को क्या किया, फिनिश किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, यू बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, हमारी हेडिंग क्या बनेगी, बैक्टीरिया। चलो बच्चों देखते हैं, यू बैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यू बैक्टीरिया को ही हम लोग बोलेंगे टू
बैक्टीरिया, क्यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू बैक्टीरिया बोलेंगे, क्यू बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। क्यू बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होगी, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होगी या म्यूरिन की बनी होगी, की सेल वॉल कैसी होगी, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होगी या म्यूरिन की बनी होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं इसका, क्योंकि हम लोग मोनेरा में सारे जनरल करेक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे यू बैक्टीरिया में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे इसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। यू बैक्टीरिया में ऐसा होगा, हम इसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एक तो फोटोसिंथेटिक होगा, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक होगा। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं फोटो ट्रॉप्स, मतलब फोटोट्रॉप्स होंगे या तो हेटरोट्रॉप्स होंगे, या तो हेटरोट्रॉप्स होंगे। फोटोट्रॉप्स में भी हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, फोटोट्रॉप्स को भी हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, या तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, या तो फोटोसिंथेटिक होगा, या तो कीमोसिंथेटिक होगा, या तो क्या कैसा होगा, कीमोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक कैसा होगा, कीमोसिंथेटिक। बच्चों कीमोसिंथेटिक या तो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा या कीमोसिंथेटिक होगा। और जब हम लोग हेटरोट्रॉप की बात करते हैं, की बात करते हैं हेटरोट्रॉप की बात, हेटरोट्रॉप की हम लोग जब बात करते हैं तो हेटरोट्रॉप इनका कैसा होगा, थ्री टाइप्स के होंगे। हेटरोट्रॉप्स कैसे होंगे, थ्री टाइप्स के होंगे, तो भी हम लोग यहाँ पर हेटरोट्रॉप्स तीन टाइप का होगा, क्या होगा, या तो सिम्बियोटिक होगा, सिम्बियोसिस शो करेगा तो सिम्बियोटिक होगा, या तो कैसा होगा, पैरासिटिक होगा, तो पैरासिटिक होगा। एंड थर्ड आपका सेप्रोफिटिक होगा, कैसा हो सकता है, सेप्रोफिटिक, तो फिटिक। आप लोग इतना नोट करिए बच्चों, तब तक पानी पी लेते हैं, ठीक है, यहां तक नोट करिए। चीजें क्लियर, न्यूट्रिशन कैसा होगा, यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होगा या तो फोटोट्रॉप्स होंगे या तो हेटरोट्रॉप्स होंगे, या तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे या तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। फोटोट्रॉप में या तो फोटोसिंथेटिक होगा या तो कीमोसिंथेटिक होगा, और हेटरोट्रॉप में या तो सिम्बियोटिक होगा या पैरासिटिक होगा या सेप्रोफिटिक होगा। आप लोग इसको नोट करिए, चलो हम लोग अब देखते हैं
हम लोग अब डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉप्स के बारे में। पहले डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉप्स के बारे में और उसमें भी फोटोसिंथेटिक को पहले डिस्कस करेंगे, देन करेंगे कीमोसिंथेटिक को डिस्कस। ठीक है, हमारी अगली स्लाइड जो होगी वो होगी फोटोट्रॉप्स के बारे में। क्या होगी? फोटोसिंथेटिक होगी। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे, फोटो सिंथेटिक डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? ये फोटोसिंथेसिस शो करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा? परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, और क्या बना लेगा? फूड बना लेगा। क्या बना लेगा? फूड बना लेगा। और ये कौन कर सकता है? ये आपका कर सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नोन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो, इसे हम लोग बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनो बैक्टीरिया। यहाँ तक चीजें क्लियर? फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग को पता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब हम लाइट की प्रेजेंस में हम क्या प्लांट्स, जब प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में, या कोई ऐसा एनिमल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करता हो लाइट के प्रेजेंस में, वो क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल को मिलाकर क्या बना दे? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दे और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दे, तो उसी को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ये क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर लिया। फूड का सेंस क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया, इसी को हम लोग फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। तो आपका पहला जो पॉइंट था फोटोसिंथेटिक, वो कहाँ पर होगा? का एग्जाम्पल कौन होगा? बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कीमोसिंथेटिक के बारे में। कीमोसिंथेटिक के बारे में आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके क्या करे? एटीपी का फॉर्मेशन कर ले बैक्टीरिया, उसी को क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया या अमोनिया हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना ले? एटीपी का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे बोलेंगे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रहेगी और उसे क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये लोग क्या करते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं या नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ये करेंगे क्या? ये आपको हेल्प करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में भी, फास्फोरस साइकिल में, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल जो चलती है इसमें भी बैक्टीरिया क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हमारी अगली हेडिंग होगी कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल से ही सिंथेसिस करेगा। नाम से पता चल रहा है केमिकल से ही सिंथेसिस करेगा। इसमें बैक्टीरिया करता क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक क्या हो सकता है? नाइट्रेट हो सकता है आपका, नाइट्रेट हो गया या नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया या नाइट्राइट हो गया या क्या हो गया? अमोनिया हो गया। आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके क्या करके? ऑक्सीडाइज करके क्या बना दे? एटीपी का फॉर्मेशन कर दे। क्या फॉर्मेशन कर दे? एटीपी का फॉर्मेशन कर दे। फॉर्मेशन नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराए और एटीपी का फॉर्मेशन कर दे, उसी को क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। तो इस आवाज आ रही है बच्चों? वॉइस क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर? कीमोसिंथेटिक का मतलब क्लियर हुआ आपको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर दे? एटीपी का फॉर्मेशन करा दे। ये कौन कराएगा?
ये कराएगा आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन कराएगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यहां तक चीजें क्लियर? और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्प करते हैं या रोल प्ले करते हैं फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल एंड आपका नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल में। तो नाइट्रोजन साइकिल साइक्लिसिटी में या बायोजियोकेमिकल साइक्लिसिटी में भी इनका रोल होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और अब समझते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। कौन सी बैक्टीरिया के बारे में? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हमारी हेडिंग बनेगी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग इसे तीन टाइप से पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप से? तीन टाइप से हम लोग इसे तीन टाइप से पढ़ने वाले। बट उसके पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होंगे? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे। मेनली बैक्टीरिया जो भी होते हैं या मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक फॉर्म में होते हैं। और ये क्या, ये बहुत ढेर सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस को लेकर क्या है, ये क्या करेंगे, दूध से दही बनाना हुआ, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग। और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करेंगे, और क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करेंगे। और डिजीज काजिंग भी होंगे, डिजीज काज करेंगे। जैसे आपके बुक में चार डिजीज मेंशन किए गए हैं, पहला कौन सा है? पहला है कॉलरा, फिर टिटेनस, फिर उसके बाद आपका है एक सिट्रस कैंकर और एक है टाइफाइड। टोटल चार डिजीजेस दी गई हैं। तो हम इसे तीन अलग अलग फॉर्म में समझ लेते हैं। तो पहला कौन सा होगा आपका? सिम्बियोटिक होगा। क्या होगा? सिम्बियोटिक, जो सिम्बियोसिस शो करेगा, सिम्बियोटिक हो जाएगा। सेकंड आपका डीकम्पोजर होगा। क्या होगा बच्चों? डीकम्पोजर होगा, डीकम्पोजर होगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा, डीकम्पोजर को ही हम सेप्रोफिटिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सेप्रोफिटिक। ऐसा बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थ पर भी डिपेंड हो। थर्ड आपका क्या होगा? पैरासिटिक, जो कि डिजीज काजिंग हो, ऐसा हो डिजीज काजिंग, पैरासिटिक। अब हम लोग सबसे पहले सिम्बियोटिक को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? सिम्बियोटिक को। सिम्बियोटिक में आप लोगों ने राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम की रूट से, रूट ऑफ लेग्यूम से क्या करेगा? सिम्बियोसिस शो करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है बच्चों। राइजोबियम शोज सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस विद लेग्यूम, लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम की रूट से। और क्या कराएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्या कराएगा बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर आपकी? यहाँ तक चीजें क्लियर? चलो अब हम लोग सेप्रोफिटिक को समझते हैं, सेप्रोफिटिक या डीकम्पोजर को समझते हैं। तो ये क्या कराता है? ये नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल में हेल्प करेगा। क्या करेगा? बायोजियोकेमिकल साइकिल को रेगुलेट कराने में ये हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या करेगा बच्चों? प्ले रोल इन बायो जियो केमिकल साइकिल। अब वो साइकिल
फास्फोरस की भी हो सकती है, सल्फर की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है एंड आपका नाइट्रोजन की भी हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी में लाइन का स्पीकर है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। सेप्रोफिटिक या डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या कराते हैं, ये आपका क्या कराएंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल में हेल्प कराएंगे। लास्ट वाला हम लोग देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया को लास्ट वाले को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या करेगा, डिजीज काज करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, डिजीज काजिंग होगा। ये क्या करेगा, डिजीज काजिंग होगा, डिजीज काज करेगा। टोटल चार डिजीज आपके बुक में दी गई हैं। कितने डिजीज दी गई हैं, चार डिजीज हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हम लोग अगले पेज पर देख लेते हैं डिजीज को। चारों डिजीज को हम लोग डिस्कस करके उसके बाद हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ने के बाद आज की क्लास फिर हम लोग फिनिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिजीज देख लेते हैं, कौन कौन से डिजीज काज करता है जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। हालांकि डिजीज तो बहुत ढेर सारे काज करता है, बट हम यहाँ पर मेनली चार डिजीज के बारे में समझेंगे बच्चों। पहला डिजीज कौन सा होगा आपका, आपकी एनसीईआरटी ने तीन तो एनिमल की डिजीज को दिया है और एक प्लांट में होने वाले डिजीज को दिया है। हम लोग समझते हैं, पहला डिजीज आपका होगा टिटैनस, होगा टिटैनस। उसके बाद सेकेंड आपका होगा टाइफाइड, टाइफाइड। थर्ड आपका होगा सिट्रस, फोर्थ हम लिख लेते हैं पहले सिट्रस कैंकर, और थर्ड आपका होगा कॉलेरा, होगा कॉलेरा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों कि टिटनस काज करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है, टाइफाइड काज करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है, या कॉलेरा या सिट्रस कैंसर काज करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है। तो काजेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो टिटनस को काज करने वाला बैक्टीरिया जो होगा उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। कौन काज करेगा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। सेकेंड टाइफाइड को कौन काज करेगा, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड काज करने वाला बैक्टीरिया कौन होगा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। एंड कॉलेरा को कौन काज करेगा, विब्रियम, कौन काज करेगा, विब्रियम कॉलेरी, विब्रियम कॉलेरी, अविब्रियो कॉलेरी। सिट्रस कैंसर को कौन काज करेगा, जैंथोमोनास सिट्री, कौन काज करेगा बच्चों, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री। ये टोटल चार डिजीजेज आपकी बुक में दिए गए हैं। चारों डिजीज के बारे में हमने यहाँ आपको बता दिया है, चारों डिजीज के बारे में आपको यहाँ मेंशन दिया है हमने। चारों इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न रखनी है। ये चारों डिजीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे अपनी, अब हम अपनी हेडिंग बनाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या हेडिंग बनाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमारी हेडिंग होगी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे साइनो, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, अगर हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, ग्रीन वर्ड आया, इसका मतलब ये क्लोरोफिल ए को कंटेन करेगा। ये क्या कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा क्लोरोफिल, क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल ए। ये कैसा होगा, सिमिलर टू, जो क्लोरोफिल ए होगा इसके पास वो कैसा होगा, सिमिलर टू आयर और ग्रीन प्लांट्स, क्या होगा, ग्रीन प्लांट। जो भी हायर प्लांट्स का क्लोरोफिल होगा उसके सिमिलर होगा, इसके पास क्या होगा,
क्लोरोफिल होगा जो कि हायर प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होगा, ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हैबिटेट के बारे में, हम लोग क्या देखते हैं, इसका हैबिटेट देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसका हैबिटेट किया गया है। इनका हैबिटेट कैसा हो सकता है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में ये लोग क्या हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, मैराइन भी, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब हम लोग इनके शेप को समझ लेते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी ये तीन चीज़ें बोलती है कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये लोग कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में फिलामेंटस का एग्जाम्पल भी दिया है, मास्टाक एंड एनाबिना। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कौन सा होगा और कॉलोनियल का एग्जाम्पल कौन सा होगा और फिलामेंटस का एग्जाम्पल कौन सा होगा, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना होगा, तो वेल नोन एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। क्या होगा, स्पाइरुलिना, इसी को हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं। स्पाइरुलिना जो होता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जब वो स्पेस में जाते हैं तो ये प्रोटीन रिच कंटेंट बहुत ज़्यादा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पाइरुलिना को ही खाते हैं, उसी का कंजप्शन करते हैं। कॉलोनियल का एग्जाम्पल कौन होगा, माइक्रोसिस्टिस। कॉलोनियल का एग्जाम्पल होगा बच्चों, कॉलोनियल का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा माइक्रो, हो जाएगा माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। और लास्ट में आपका आता है फिलामेंटस, इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक, हो जाएगा नॉस्टॉक, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होगा, क्लोरोफिले कंटेन करेगा जो कि सिमिलर होगा हायर प्लांट के। इसका हैबिटेट कैसा होगा, एक्वेटिक होगा, टेरेस्ट्रियल भी होगा, फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है एंड मैराइन वाटर में भी पाया जा सकता है। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर है तो कौन होगा, स्पाइरुलिना होगा, कॉलोनियल है तो कौन होगा, माइक्रोसिस्टिस होगा, और फिलामेंटस है तो कौन हो सकता है, आपका नॉस्टॉक या एनाबिना हो सकता है। एक स्ट्रक्चर, एक फिगर दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का, उसमें एक स्पेशल सेल दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को ये कराता है, तो हम लोग हेट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और लेते हैं अगली स्लाइड अपनी, ठीक है। हम लोग एक फिगर बनाते हैं हेट्रोसिस्ट का, देखते हैं बच्चों, ये रहा आपका, चलो हम लोग इसमें बना देते हैं ओरिजिनल फिगर। हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं,
इसके ऊपर, इसकी कॉलोनी के ऊपर बच्चों एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। क्या पाया जाता है? म्यूसिलेजिनस ऐसी शीथ होगी म्यूसिलेज की लेयर होगी। यही म्यूसिलेज की एक क्या पाई जाएगी? लेयर पाई जाएगी कॉलोनी के ऊपर, म्यूसिलेज की एक हम जिलेटिनस शीथ भी बोलेंगे। जिलेटिनस शीथ भी हम, यहाँ तक चीजें क्लियर? तो देख लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ये आपका क्या है? ये है जिलेटिनस, जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? इसे हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्ट। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये किसका है? नॉस्टाक का है। किसका है? अब हम लोग देखते हैं फंक्शन, हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है। हेट्रोसिस्ट जो होता है बच्चों, ये एक एंजाइम को कंटेन करता है। कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कंटेन करता है। ध्यान देने वाली बात है, कौन सा एंजाइम कंटेन करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कंटेन करेगा। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक खास बात होती है, ये एनरोबिक कंडीशन में काम करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। तो हेट्रोसिस्ट में अगर हम फोटोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट बस सेकंड होगा, सेकंड प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेकंड प्रेजेंट रहेगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करा देगा और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होते ही नाइट्रोजिनेज इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। और हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। ये फंक्शन क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इसी को सीट ऑफ, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ये क्या हेल्प करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। तक चीजें क्लियर? हेट्रोसिस्ट क्या कराएगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देगा। हेट्रोसिस्ट आपका क्या करेगा बच्चों? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देगा। ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ और भी फंक्शन है, जैसे ये वाटर ब्लूम को काज करता है। क्या काज करेगा? वाटर ब्लूम काज करेगा। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग यहीं पर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी को 5 मिनट 10 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। लोग एनसीईआरटी को किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर सोल, बैक्टीरिया क्या है? ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एनसीईआरटी से हम लोग रिवीजन करते हैं। सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, क्या है? सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह पर पाया जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल, एक मुट्ठी भर सॉइल में हजारों या सैकड़ों बैक्टीरिया आ सकते हैं। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स, हमने आपसे डिस्कस किया, एक्सट्रीम हैबिटाट में पाए जा सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जा सकते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में भी पाए जा सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, ये वहां पर भी पाए जा सकते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स भी होते हैं, हमने पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस किया। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरी, चार कैटेगरी में ग्रुप किया गया बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के बेसिस पर। तो सबसे पहला क्या आता है? स्फेरिकल, क्या आएगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल को क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे, या उसका प्लूरल क्या होगा? कोकाई होगा। और रॉड शेप, सेकेंड क्या होगा? रॉड शेप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे या बैसिलाई बोलेंगे। थर्ड आपका
कॉमा सेफ होगा, कैसा होगा, कॉमा सेफ होगा, जिसे हम आप क्या बोलेंगे, विब्रियम बोलेंगे, एंड स्पाइरलम आर स्पाइरल सेप, स्पाइरल सेप आपका क्या होगा, स्पाइरलम होगा। चार सेप के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, वो चीजें यहां पर हमने आपको बता दी हैं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। हाँ अजय, अजय साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी किस बेसिस पर बोला गया? हाँ तो बेटा साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलने का रीजन यही था, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोरोफिल ए को कंटेन करता है, क्लोरोफिल बी को भी कंटेन करता है, ठीक है, जो कि सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, जो पिगमेंट सिमिलर होता है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसी बेसिस पर इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। हम लोग अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं सेप के बारे में। यहाँ पर सेप दिया गया है, कोकस का सेप है, बैसिलस का सेप है, ये रहा आपका कोकस का सेप, ये बैसिलस का सेप, स्पाइरलम एंड विब्रियो। कोकस कैसा होगा, कोकस आपका स्फेरिकल होगा, बैसिलस रॉड सेप होगा, स्पाइरलम आपका स्पाइरल सेप होगा, एंड विब्रियो कैसा होगा, कॉमा सेप होगा। बैसिलस क्या है, एक स्पोर कंटेन किए हुए, जिसको हम लोग इंडोस्पोर भी बोलते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या कर लेता है, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। बिहेवियर कैसा होगा इसका, कॉम्प्लेक्स होगा, बिहेवियर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये सवाल आपसे तीन चार बार पूछा जा चुका है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि इसमें इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन कई टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसे ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और कीमोसिंथेटिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, एंड आपका क्या होगा, कहेगा सिम्बियोटिक भी होगा। तो ढेर सारी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होने के कारण इसे क्या बोलेंगे, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होती हैं, दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फोटोसिंथेसिस करके बना लेंगी, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, हमने आपसे बताया कि हेटरोट्रॉप्स जो है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बैक्टीरिया है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर डेड ऑर्गेनिक मैटर, हेटरोट्रॉपिक है तो जाहिर सी बात है कि या तो किसी के डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेगा या किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। ऑर्गेनिज्म पर अगर डिपेंड करता है तो उसे पैरासिटिक बोलेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अगर डिपेंड करता है तो उसे सेप्रोफिटिक बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर बच्चों? हम लोग अब अगली स्लाइड को देखते हैं, आर्किबैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। तब दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट, कहाँ पर पाया जा सकता है, हार्श हैबिटेट में पाया जा सकता है, जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में, जिसको क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स बोलेंगे, या कहाँ पाया जा सकता है बच्चों, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जा सकता है जिसे थर्मोएसडोफिल्स बोलेंगे, या मार्सी एरिया में पाया जा सकता है जिसे मिथनोजेंस बोलेंगे। इसे हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, कैसे डिफर करता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर से। हमने आपको बताया इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकान की जगह किसका बना होता है, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलिपिड लेयर की होती है, और कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। ब्रांचिंग होने के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। मिथनोजेंस आर प्रेजेंट इन, मिथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट सच एज काउज एंड बफेलो। हमने आपको बताया कि काउज एंड बफेलो जो भी जुगाली करने वाले जानवर थे उनके गट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और बायोगैस, कहां से, डंग ऑफ दीज एनिमल्स, कैटल्स के डंग से ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या बायोगैस का प्रोडक्शन कराएंगे। यहां तक चीजें क्लियर, आर्किबैक्टीरिया में आपके इतने चीजें मेंशन की गई हैं। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड को, ठीक है।
चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलेंगे। यू बैक्टीरिया को ही बच्चों हम क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया बोलेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेलवाल। सेलवाल कैसी होती है, रिजिड होती है। सेलवाल रिजिड होगी और पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होगी। देन उसके बाद इफ मोटाइल, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होगी, फ्लैजिला एब्सेंट है तो मोटाइल नहीं होगी। द साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है बच्चों, हमने आपको इसे अलग से पढ़ा दिया है, बट यहां पर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में ही साइनोबैक्टीरिया को इसने बताया है। रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या रेफर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके पास होता हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोले जाते हैं ये। दीज साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। हमने आपको बताया कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल स्पाइरुलिना होगा, कॉलोनियल का एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस होगा, और फिलामेंटस का एग्जांपल आपका क्या होगा, नास्टाक एंड एनाबिना होगा। यहां तक चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर या मैराइन, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मैराइन वाटर में पाए जाएंगे या टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे। मतलब ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। दीज कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ। कैसी शीथ होगी, जिलेटिनस होगी। जिलेटिनस को हमने आपसे क्या बोला, म्यूसिलेजिनस शीथ। जब हम लोग इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, तो या तो जिलेटिन की शीथ होगी या म्यूसिलेजिनस शीथ होगी। ऑफन दे फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ये क्या करते हैं, वाटर ब्लूम भी काज करते हैं, वाटर ब्लूम काज करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्यों फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का के लिए कौन सा एग्जाम्पल आपका दिया गया है, नास्टाक एंड एनाबिना। नास्टाक और एनाबिना में हेट्रोसिस्ट जैसी एक स्पेशल सेल पाई जाती है जो क्या कराती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है। उसके पास क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसी भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। और हम लोग आगे देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट। इसको नाइट्रेट को, नाइट्राइट को एंड अमोनिया को, नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज करने के बाद करेगा क्या, एनर्जी, एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन रिलीज कराएगा, एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन कराने के लिए। दे आर ग्रेट रोल इन द रिसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने आपसे बताया कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी ये हेल्प करेगा। अब किसकी रिसाइकिलिंग करा सकता है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आयरन की और सल्फर की। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों। हम लोग लेते हैं अगली स्लाइड को। चलो यहां पर एक चित्र दिया गया है जो हम आपको बनाकर भी समझा दिए हैं। तो ये आपका पोर्शन क्या है, हेट्रोसिस्ट का है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, और यहां पर इसके बारे में लिखा गया है कि अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नास्टाक बोल रहे हैं। हम लोग अब अगली स्लाइड को देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट। हमने आपसे बताया कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाएगा नेचर में। द मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, ये क्या हो सकता है, डीकम्पोजर या सेप्रोफाइट हो सकता है। हमने आपसे डिस्कस किया, मेनी ऑफ देम हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमंस के लिए कुछ क्या होंगी, यूजफुल होंगी। जैसे कि ये क्या करेंगी, कर्ड को कर्ड बना देंगी, किससे, मिल्क से, दूध से दही बनाने के काम आएंगी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या कराएंगी, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करेंगी। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूम की रूट में क्या करेंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगी। जैसे कि राइजोबियम की जिक्र, राइजोबियम का जिक्र हमने किया। सम आर पैथोजन्स, कुछ पैथोजन्स होंगे जो ह्यूमंस के लिए, क्रॉप्स के लिए, फार्म्स एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे, डिजीज काज करेंगे। यहाँ पर चार डिजीज दी गई है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनसर, सिट्रस, कैंसर। जिससे कॉलरा किससे होगा, कॉलरा का जो कॉजेटिव बैक्टीरिया होगा उसे बोलेंगे विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी से। टिटेनस किससे होगा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से। एंड सिट्रस कैंसर किससे होगा, जैंथोमोनास सिट्री से। तो यहाँ तक की चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी, रही
आगे रिप्रोडक्शन की बात बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई किससे रिप्रोड्यूस करेगा, फिजन से, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर लेगा, स्पोर बना लेगा। हमने आपसे बताया कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये फिजन से खुद को रिप्रोड्यूस कर लेगा, बट जैसे ही कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्या कर लेगा, ये तुरंत स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर होता नहीं है, तो हमने आपसे क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने के कारण यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजक्शन को पढ़ते हैं, जो कि कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। और ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डीएनए हो गया, ये इसकी सेल वॉल हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? एक और यहां पर छोटा सा टॉपिक बचता है माइकोप्लाज्मा, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होगा, ये इसमें क्या होगा कि सेल वॉल नहीं होगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स होगा। नॉर्मली तो ऑक्सीजन रहेगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा ही करेगा, बट ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी सर्वाइव कर लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब्स। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सबसे छोटा लिविंग सेल होता है, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ माइक्रो बहुत ढेर सारे या कुछ माइकोप्लाज्मा होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज काज करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, और माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और माइकोप्लाज्मा क्या करता है, ये क्या करता है कि विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, और लास्ट पॉइंट आपका पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब हम कल की क्लास में बच्चों प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे एंड वायरस पढ़ेंगे, इवन लाइकेन को भी कल हम खत्म कर लेंगे, कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज प्रोटिस्टा तक पढ़ाने का मन था, पर कुछ टेक्निकल इशूज हैं, इसलिए प्रोटिस्टा की क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं बच्चों, और आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, रिलैक्स रहिए, कोई भी मतलब फिक्र करने वाली बात नहीं है, सिलेबस अपने टाइम से ही कंप्लीट होगा, और एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारे सिलेबस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को आप लोग आराम से सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।